अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही लगे घंटे के बटन को दबाएं, ताकि हम जब भी हमारे चैनल पर नया वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं GDS खबर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं AIPU यूनियन की जो CWC की मीटिंग रखी गई थी 8 और 9 सितंबर को, उसके बारे में। दोस्तों, इसमें इस मीटिंग में जो पी पांडुरंगा राव जी, जो कि जनरल सेक्रेटरी है AIPU के, वह भी शामिल होते हैं। उनके साथ वीरेंद्र शर्मा जी, एम कृष्णन, सीता लक्ष्मी दीदी जी, गणेश संदल जी, धनराज जी, साथ ही राजकुमार अटकरे जी, और जो का जो बालकृष्ण जी हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है NFPA के, वह भी इसमें शामिल हुए थे। इस मीटिंग की सबसे खास बात हम आपको बता दें, इसमें जो 28 सर्किलों के सचिवों ने इस मीटिंग में भाग लिया था। दोस्तों, ये मीटिंग बहुत ही बड़ी हुई थी। दोस्तों, इस मीटिंग के रिगार्डिंग हमने पहले भी हमारे चैनल पर अपडेट दिया था, बट अभी जो इसके कुछ वीडियो क्लिप्स भी हमारे पास आए हैं, और वो तमाम जो जो तमाम जिन जिन मुद्दों पर इस मीटिंग में चर्चाएं हुई है, वो तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, हम बैकग्राउंड में क्लिप जो वीडियो क्लिप है वह भी प्ले करके दिखाने वाले हैं। साथ ही जो इस वीडियो के अंत में हम जो 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 क्वालिटी अच्छी क्वालिटी की जो स्पीच होगी वो पूरी हम आपको लास्ट में दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। दोस्तों, अभी हम आपको बता दें इस जो मीटिंग में किन किन मुद्दों पर चर्चाएं हुई है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें, हम लास्ट वीडियो में भी हम बता चुके हैं कि इस मीटिंग में जो पुराने वरिष्ठ जो ग्रामीण डाक सेवा के जो मांग कर रहे थे 12, 24 और 36 के इंक्रीमेंट की, उस पर सबसे गहनता से चर्चाएं हुई है। और उससे मीटिंग बहुत ज़्यादा लंबी चली थी, यानी कि जो सुबह 9 बजे से रात्रि में 10 बजे तक ये मीटिंग चलू रही थी, यानी कि बहुत लंबी मीटिंग चली थी। इसमें सभी जो सचिव आए थे उन्होंने अपना अपना पक्ष रखा था, और जो लोकल समस्याएं वो तमाम समस्याएं जो जो जनरल सेक्रेटरी AIPU के जो पांडुरंगा राव जी, उनके समक्ष रखी थी। और जो पांडुरंगा राव जी ने आश्वासन दिया था कि इस पर जल्द से जल्द जो समस्याएं उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, हम वापस अब पॉइंट पर आ जाते हैं, जो जिन जिन टॉपिक पर इस मीटिंग में चर्चाएं हुई थी। सबसे पहले 12, 24 और 36 जो वरिष्ठ ग्रामीण डाक सेवक, सबसे बड़ा मुद्दा है वरिष्ठ ग्रामीण डाक सेवकों का, क्योंकि वह लंबे समय से जो मांग कर रहे थे कि जो नए और पुराने ग्रामीण डाक सेवक है उन्हें अभी वर्तमान में समान वेतन मिल रहा है। तो पुराने ग्रामीण डाक सेवकों का कहना है कि उन्हें 12, 24 और 36 का इंक्रीमेंट दिया जाए, जो कमलेचंद कमेटी रिपोर्ट के अनुसार कहा गया था। इसके अलावा हम सेकंड बात करें चिल्ड्रंस अलाउंस की, तो उस चिल्ड्रंस अलाउंस डिपार्टमेंट ने भी मंजूरी दे दी है, पर अभी तक किसी भी ग्रामीण डाक सेवकों का यह चिल्ड्रंस अलाउंस नहीं दिया जा रहा है। इसको लेकर भी इस मीटिंग में बात उठाई गई थी। इसके अलावा सिविल सर्वेंट, दोस्तों जो ग्रामीण डाक सेवक है, यानी जो शाखा डाकघर है, उन्हें 8 घंटे खोलने की, और जो ग्रामीण डाक सेवक को सिविल सर्वेंट का दर्जा दिलाया जाए, उसको किस किस तरीके से आंदोलन किए जाएंगे, वो तमाम जानकारी तमाम मुद्दों पर इस मीटिंग में चर्चा हुई है। साथ ही दोस्तों, हम आपको बता दें जो कमलेचंद कमेटी रिपोर्ट है उसे 1/7/2018 से लागू किया गया है, बट जो AIPU यूनियन का कहना है कि इस रिपोर्ट को 1 जनवरी 2016 से लागू किया जाए, ताकि जो ग्रामीण डाक सेवकों को जो उचित इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, और जो तमाम जो एरियर है उन तमाम प्रकार के लाभ ग्रामीण डाक सेवकों को दिए जाए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये मीटिंग बहुत ही लंबी लंबी चली है, और इसमें जो खास बात हम आपको बता चुके हैं कि इसमें 18 सर्किलों के सचिवों ने इस मीटिंग में शामिल हुए थे, और सभी सर्किलों में जो ग्रामीण डाक सेवकों की लोकल समस्या है वो तमाम समस्याएं जो पी जो पांडुरंगा राव जी है जनरल सेक्रेटरी उनके समक्ष रखी थी। और पांडुरंगा राव जी ने पूरा आश्वासन दिया है कि जो ग्रामीण डाक सेवक की जो समस्या है उसको AIPU यूनियन जल्द से जल्द पूरी करेगा, और आने वाले समय में इनकी तरफ से कोई जो बड़ा आंदोलन भी किया जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि जो ग्रामीण डाक सेवक है वह जो GDS रिपोर्ट है 1 जुलाई 2018 से लागू की गई है, उसमें बहुत सी कटौतियाँ कर दी गई, जिसके कारण ग्रामीण डाक सेवक बहुत ज़्यादा नाराज है। इसी को देखते हुए जो ग्रामीण डाक सेवकों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। तो AIPU यूनियन की यह बैठक, इसमें बहुत से मुद्दों पर चर्चाएं हुई है। तो दोस्तों, लास्ट में जो हम आपको कुछ वीडियो क्लिप भी प्ले करके दिखाने वाले, तो दोस्तों आप वीडियो क्लिप जरूर देखिएगा। धन्यवाद दोस्तों। निराकरण स्वयं होता चला जाएगा। आज जरा इस बात की है। थैंक यू।